YES, यस, अर्थात यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी के नेशनल सेक्रेटरी, युवा निर्यातक एवं मैसर्स केनवे सरताज वर्ल्ड वाइड मुरादाबाद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरदार जेपी सिंह ने ईपीसीएच के तत्वावधान में 13 से 18 जुलाई 2020 तक आयोजित किए जाने वाले इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड गिफ्ट वर्चुअल फेयर की सफलता के लिए उसमें भाग लेने वाले सभी निर्यातक बंधुओं को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं और ईपीसीएच के डायरेक्टर जनरल राकेश कुमार व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर के वर्मा को वर्चुअल फेयर का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत करने के लिए बधाई दी है और वर्चुअल फेयर को एक इनकलाबी कदम करार दिया है। साथ ही वर्चुअल फेयर के कॉन्सेप्ट का भरपूर समर्थन करने के लिए यस के नेशनल चेयरमैन व ईपीसीएच के सीओए मेंबर नीरज खन्ना, MHEA अर्थात मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के संरक्षक नजमुल इस्लाम एडवोकेट उर्फ नजम भाई, MHEA के प्रेसिडेंट एवं ईपीसीएच के वाइस चेयरमैन नवेदुर रहमान और MHEA के महासचिव अवधेश अग्रवाल को भी बधाई दी है। ये बात उल्लेखनीय है कि ईपीसीएच के तत्वावधान में गत 1 से 4 जून तक आयोजित फैशन ज्वेलरी के प्रथम वर्चुअल फेयर इंडियन फैशन ज्वेलरी एंड एसेसरी शो 2020 में सरदार जेपी सिंह की फर्म केनवे सरताज वर्ल्ड वाइड ने भी भाग लिया था और उनकी फर्म को बेस्ट वर्चुअल डिस्प्ले के लिए अजय शंकर मेमोरियल गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है। ईपीसीएच के इस प्रथम वर्चुअल फैशन ज्वेलरी फेयर की सफलता से गदगद यस के राष्ट्रीय सचिव सरदार जेपी सिंह ने इस शो की सफलता के लिए ईपीसीएच की पूरी टीम को बधाई दी है और कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड गिफ्ट शो एक बहुत ही शानदार शो होगा और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आने की पूरी पूरी उम्मीद है। लीजिए प्रस्तुत हैं सरदार जेपी सिंह के विचार स्वयं उनकी जबान से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना महामारी से पूरा विश्व प्रभावित है, व्यापार प्रभावित है, भारत से एक्सपोर्ट काफ़ी बुरी तरह अफेक्टेड है, बाहर स्टोर्स बंद हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं हो पा रहा है, फिजिकल एग्जीबिशंस पॉसिबल नहीं है। ऐसे में हम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट ने एक वर्चुअल फेयर का कॉन्सेप्ट लेके आई, जो कि अपने आप में एक बहुत ही सकारात्मक पहल है। इसके लिए सबसे पहले मैं श्री राकेश कुमार, डायरेक्टर जनरल ईपीसीएच, श्री आर के वर्मा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईपीसीएच, उनकी टेक्निकल टीम, उनकी क्रिएटिव टीम और उनकी सोशल मीडिया टीम, सबको बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने एक इस रेवोल्यूशनरी कदम को सोचा, उसके बारे में काम किया और उसको सर अंजाम दिया और बहुत ही उम्दा तरीके से सर अंजाम दिया। इसके लिए वो सब लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इसके साथ साथ मैं श्री नीरज खन्ना, जो नेशनल चेयरमैन यस है, श्री नजमुल इस्लाम साहब जो संरक्षक हैं मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के, श्री अवधेश अग्रवाल जनरल सेक्रेटरी और श्री नावेद रहमान साहब जो प्रेसिडेंट है, ये सब लोग भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस पहल का पूर्ण समर्थन किया और लोगों को सबको इस काम के लिए प्रेरित किया कि वो इसमें फेयर में हिस्सा लें। और मुझे बहुत खुशी है कि हमें बेस्ट वर्चुअल बूथ डिस्प्ले के लिए श्री अजय शंकर मेमोरियल गोल्ड अवार्ड मिला है, जिसके लिए मैं श्री राकेश कुमार जी और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और कि हमें उन्होंने इस अवार्ड से सम्मानित किया है। इंडियन फैशन ज्वेलरी एंड एक्सेसरी शो की एक सफलता अपने आप में एक हिस्टोरिक कदम है, एक सक्सेस स्टोरी है, जो कि आपको ये बताती है कि ऐसे मुश्किल समय में भी, जब हम सब लोग नाउम्मीदी की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में एक इंसान जो सोच सकते हैं वो श्री राकेश कुमार जी, जिन्होंने ये सोचा कि इस जो हमारे ट्रेड फेयर्स हैं उनको वर्चुअल फॉर्म में कंडक्ट किया जाए। ऐसे में जो हमारा इंडियन फैशन ज्वेलरी एंड एक्सेसरी शो है, ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और ये सब लोग जो हमारी जो ये टीम है ईपीसीएच की, सब लोग बधाई के पात्र हैं। अगर एक छोटा फेयर जो कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट के साथ है वो इतना कामयाब हो सकता है, तो मुझे बहुत उम्मीद है
के इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड गिफ्ट शो, जो कि एक बहुत बड़ा फेयर है मुरादाबाद के, उसमें बहुत सारे निर्यातक पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक बहुत ही शानदार आयोजन होगा उसका, जिसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आने की पूरी पूरी उम्मीद है। और मैं मुरादाबाद के निर्यातकों से कहना चाहूँगा कि ये जो कॉनिक सिक्स जो प्लेटफॉर्म EPCH यूज़ कर रहा है इस फेयर के लिए, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो बहुत स्मूथ है, बहुत यूज़र फ्रेंडली है, बहुत अच्छे मीट्रिक्स आपको प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपना वर्चुअल डिस्प्ले कर पाएंगे, बायर्स के साथ इंटरेक्शन कर पाएंगे, बायर्स आपके साथ बात कर पाएंगे, बायर्स ने कहाँ कहाँ विजिट किया, कैसे किया, ये सारा आपको बहुत अच्छे से डिटेल्स अवेलेबल होंगी, जिससे कि आप बहुत सारी इंक्वायरीज़ को अपने एक्चुअल बिजनेस में ट्रांसलेट कर पाएंगे। जो हमारा ये इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड गिफ्ट फेयर जो जुलाई 13 से 18 को हो रहा है, उसके लिए मैं सभी मुरादाबाद के निर्यातक जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो इस पहल का और इस वर्चुअल फेयर का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएंगे और एक नए बिजनेस के नए तरीके को अपनाएंगे, जो कि इस मुश्किल हालातों ने हमारे लिए एक रास्ता खोला गया है। इसलिए मैं श्री राकेश कुमार जी और उन श्री RK वर्मा जी और उनकी टीम सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने इस आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके ये ऐसी एक प्लेटफॉर्म तैयार की है, जिसके ऊपर जो फिजिकल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं, तो इसके लिए वर्चुअल वे में ट्रेड फेयर को कंडक्ट किया जा सकता है।